भाभी और मैं आपका आज से मेरा अभी तेरा दोस्ती खत्म तेरी माँ आपकी। अरे ऑटोग्राफ यार कभी जिंदगी में दिए नहीं थे। कितना क्यूट दिख रहा है देखे गाइस, वहाँ पे मैंने जो दोस्ती खत्म बोला था। हजूर इस तो क्या डरावना रास्ता है गाइस, तीन जन एक बाइक पे विदाउट हेलमेट। अरे माँ आपका क्या हो रहा था? Hey guys, वीडियो स्टार्ट होने से पहले रिसेंटली हादसा के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो प्रेम और मैं जो झगड़ा किया था, मैं आप सभी को दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो दोस्ती खत्म बोला था। मैं एक बात बता दूँ, जिंदगी में कोई भी आए हमारे बीच में, झगड़ा करे कोई भी हो, हमारा दोस्ती कभी खत्म नहीं होगा और हमारा दोस्ती एकदम अमर है। सबको बताइए, वो वीडियो स्क्रिप्टेड किया है। नॉर्मल वीडियो बनाते बनाते ना थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो सोचा थोड़ा सा कुछ मिर्ची डालते हैं, पर क्या पता कि ये मिर्ची में मेरा ही मिर्ची लग जाएगा। आग लग गया ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था कसम से। अगर वो असली झगड़ा होता ना, मेरा इंटेंशन कभी भी नहीं रहता कि बाइक वो गिरा दिया ये गिरा दिया। सबसे पहले तो मैं इसको ही देखता, क्योंकि भाई मेरे को पता है स्टार्टिंग से लेकर ये तक है, और सबको पता ही है मेरे 1 मिलियन आज मैं जहाँ भी हूँ हमारे प्रेम भाई की वजह से है। बहुत बुरा लग रहा है, क्या बोलना चाहता है प्रेम भाई? इतना ही बोला जाता है, आप जो भी देख रहे हो वीडियो में वो सब स्क्रिप्टेड है, कुछ सीरियसली नहीं है, वो सिर्फ हम आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए किए थे वीडियो। ऐसा खराब कमेंट मत कीजिए कि हाँ ये रॉक ऐसा है वैसा है। मेरा कमेंट में आ रहा है कि रॉक ऐसा है, घमंड आ गया, अनसब्सक्राइब कर दिया, ये वो नहीं है गाइस, ये बहुत अजब बंदा है ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आज के बाद जो भी होगा रियल होगा, कोई स्क्रिप्टेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मिर्ची लगाने के चक्कर में खुद का मिर्ची लग जाता है मेरे को, क्या बताते दोस्त लोग तो कंटेंट बना लिए, लास्ट में मेरा नाम बर्बाद। और हाँ, प्रेम भाई को चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, 17,000 हो गए, 20,000 होने वाला, जल्दी से जल्दी 50K 100K करा दो, ताकि इसका भी सिल्वर प्ले बटन देखने का मिले। सो कांसी तीनों रैक 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 डैग डैग डैग। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं गाइस, ये ना एक टाइप ऑफ आप लोग के लिए एक प्रैंक था हमारे दोनों के बीच में। मतलब देखना चाहता था कि हम लोग का इतना अच्छा दोस्ती अगर बीच में से खत्म झगड़ा हो जाए तो क्या होगा, पर मुझे नहीं पता था कि इतना गलत इंटेंशन पड़ेगा आप लोग के ऊपर। सो आई एम सो सॉरी ये प्रैंक के लिए, सो आज के बाद नहीं करूंगा। और मुझे भी पता है गाइस, बाइक से इम्पोर्टेंट हमारा फ्रेंड्स है, क्योंकि बाइक तो भाई एक लोहा है, लोहा तो फिर आ जाता पर दोस्ती कभी नहीं आएगा। बस ये आप लोग के लिए एक टाइप ऑफ प्रैंक था, प्लीज मेरे को दिल से बुरा लगा है, आप सभी को गोर छू के मैं आपको माफी मांगना चाहता हूँ, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा दूधे का पार्ट टू। वीडियो में क्या हुआ, हम लोग क्या एडवेंचर किए थे, ठीक है वीडियो को एंजॉय कीजिए। स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, कल रात को हम लोग दुधिया के यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पे सीन चेक करे, ओ माय गॉड, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और कोरा ही कोरा। यहाँ पे देख सकते हैं, रात को हम लोग ने 2 टेंट लिया थे, एक ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया। ओ भाई साहब ये क्या है। और हाँ गाइस, अचानक से यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गया था, हमने सोचा था यहाँ से हम लोग आज ना मिरिक जाएंगे, सो अपॉर्चुनिटी क्या हुआ, बहुत ही गलत सीन हो रखा है, चारों तरफ पानी भर चुका है, हमने सोचा था वहाँ जाके ना हम लोग नहाएंगे ठीक है। ये लोग ना ब्रेकफास्ट करके बैठा हुआ है, मेरे लिए बचा खुचा के पता नहीं क्या क्या रख दिया। ओ भाई साहब जय आयो होम, आसामी सॉन्ग पे डांस कर रहे हमारे लोंडे लोग, देख सकते है ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा बेइज्जती कर रहा है, ला बेइज्जती कर रहा है, क्या कर रहा है, करता कोई इसका हाथ हिल रहा है जी, ये हिल रहा है, पहले बोलो तू करता कम ये है। हां आई लव आसाम, पकड़ तो दिखा था, आई आल्सो लव आसामी सॉन्ग, ये आता ना, अरे तू यो हल्ला ना यो, हां ये ये तू तो अपना कर रहा है, ए ए ये तो अपना का डांस कर रहा है ये तो ला आसम बड़े ऐसे नाचे तो खेले दिन जाता आसम बड़े। 1 hour later. Okay, alright guys, हम लोग निकल गए हैं और बाइक कुछ तरह का इस तरह है, बहुत ही सुरक्षित है। और स्पेशली थैंक यू सो मच दादा आपको, ठीक है एकदम थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि दादा लोग ने इतना हेल्प किया ना, रियली मतलब बहुत ही अमेजिंग था। और ये नेचर के कुदरत भरी जिंदगी में मतलब बहुत ही मजा आया, नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे भैया। दुधिया रिवर साइड कैंपिंग आप लोग जरूर विजिट करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में दादा लोग एकदम रॉकिंग। ये मेरा पार्टनर,
हाँ आपका पार्टनरशिप में खुला है ना, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे ना गाइस, कल रात को मैंने बाइक अंदर तो रखा था बहुत ही अच्छी तरीके से, बट ये यहाँ पे सीन चेक कर सकते हैं बाइक मैंने कैसे रखा था। ए, अंकित यहाँ पे आ, हेल्प करने मेरे को अंकित। बॉबी बॉबी, अरे मैं आपका, अरे अटक गया मैं, अरे 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 माँ का लगेगा ना, पत्थर लगा देता गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना छोटा है ना गाइस, क्या बताया हमने आपको। अरे माँ निकल, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। बाइक ना एकदम चकाचक है, हाँ पानी की वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको हम नीचे सिलगुड़ी जाके ना धुलाई कर देंगे। चलते हैं आज का राइड शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, राम 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 राम। और यहाँ पे सीन चेक करिए, व्हाट अ लवली सीन गाइस। ऑलराइट गाइस, अभी ना हम दादा के घर पे आए हुए हैं, क्योंकि दादा बोले कि यहाँ पे ना हमारा डॉगी एक बार देख लो। और यहाँ पे डॉगी देख सकते हो गाइस, हाय पूछिए, हाँ इसका हरकत सेम टू सेम इसनो की तरह। ए ले ब्रो पप्पी पप्पी, ओ भाई, अरे भाई आराम से प्लीज, अभी देखो मैं नया हूँ ना तो थोड़ा सा डर लगा। अबे पप्पी पप्पी, ये इसनो है, अरे कितना क्यूट दिख रहा है, देखे गाइस। ले 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 ले, यहाँ पे देख सकते बहुत सारे, आजा छोटे आजा, कहा वो, अरे भाग क्यों रहे, हम तुम्हारा चाचा है मामा जी। छोटे छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबन अल्लाह, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे पप्पी से, शायद इसका ही बेटा है ना, कहा तुम्हारा ही है ना। अच्छा दादा आपके पास कितने पप्पी है अभी? अभी हाल में चार है। दादा चार तो पप्पी है, सारा का सारा आप सेल पे रखे, आपका जो कि लेबर है आप सेल में रखते हो ना, तो सेल में रखते, ये एड्रेस बता दीजिए थोड़ा। दुधिया कर्शियंग ब्लॉक, या 73417 पिन कोड है। फिर भी अगर आपको नंबर और एड्रेस सही है, और आपको छोटा छोटा जो पप्पी था वो अगर वो आपको लेना है तो भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गया है। ओ लाहौर बिल्ला गाइस, ओ भाई साहब थैंक यू सो मच गाइस, चलो अरे यार थैंक यू सो मच गाइस, चलो मिलते हैं, इतना ढेर सारा प्यार दूधे से हजूर। ओके ओके, अरे यार सेल्फी है, अरे हाँ जरूर जरूर ले लो। यहाँ पे देख सकते छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहन इतने सारे प्यार करते ना, आप उनको कहाँ बताए चाचा। हाँ हजूर हुन्छ हुन्छ ल्याउन हुन्छ हुन्छ। अरे ऑटोग्राफ यार कभी जिंदगी में दिए नहीं थे, चलो यार रॉक हजूर यो यो कर भाँचा ओप्पा सरंगे। ओके सरंगे, ओके गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ओके बाय 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 बाय, कितने क्यूट थे यार, दिल से शुक्रिया हमारे दूधे के सब्सक्राइबर। अरे पानी आ गया, अरे किना पड़े का पानी, पानी के वजह से ना गाइस पूरा का पूरा दिन ही खराब बना देता है, पता ना ब्लॉक अच्छे से कर पाता हूँ ना अच्छे से घूम पाता हूँ। किमी जानी शीलो गुड़ी मो जानी सिक्किम दीरा, तेरी माँ की, ओ भाई भाई क्या स्पीड पकड़ता है इतना जल्दी, प्लीज बेबी कम डाउन बेबी। हेलो दाई, हजुर दाई राम्रै हुनुहुन्छ? हजुर दा हजुर, ए हजुर त्यही त थैंक यू थैंक यू। तो अभी ना यहाँ पे बैठ के हम लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए हमारे व्यूअर्स को, तो जाना है तो यहीं से चल चल यहीं से चल सामने यहीं से चल, अरे ऐसे ही घूमने चल ना, चाय वाय खा के आ जाएंगे। तू आदमी ठीक नहीं है, ठीक है ज्यादा बकवास मत कर, चल चुपचाप मेरे पीछे चलो, लेट्स गो। ए बॉबी, साइन को तेरे पीछे क्यों पड़ा, इसलिए तो तेरा बाइक हर वक्त पंचर होता है, खाली ओट्स खाता है। सुन ना, जब भी मैं तेरा मुंह देखता हूँ ना पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा। ये लोंडे लोग तो यहीं पे आ रहे हैं। यो भैया कैसे हो भैया? अरे थैंक यू सो मच यार। अरे भैया हाँ जी भैया, तो साइड में आ जाओ, गाड़ी आ रहा है, आराम से जाना, तीन जन एक बाइक पे विदाउट हेलमेट। अरे हाँ फिर भी सेफ्टी देख के चलाना ठीक है, हेलमेट के साथ। ओ भाई साहब क्या डरावना रास्ता है गाइस, देखिए पूरा का पूरा हंटेड सीन जैसा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, पर मेरे को अपने नंगे नंगे आंखों से ये रियलिस्टिक वाला दुनिया देखना बहुत ही मजा आ रहा है। क्या खतरनाक रास्ता, अरे भाई सच में यार इनक्रेडिबल प्लेस यार, आप लोग जरूर एक बार ना गाइस विजिट करना। ये देखिए चारों तरफ कोरा ही कोरा उसी निकल रहा है चारों तरफ से। अंकित आज इतना खाना खाया दुधिया में, साला सबका खाना एक ही बार में खा लिया, चिकन का तो हड्डी भी चूस चूस के नहीं छोड़ा साला। हाँ
बेचारा वहाँ पे दो कुत्ता था कम से कम, उसके लिए हड्डी भी छोड़ दिया होगा, तू वो भी खा लिया। ओके ओके ओके, हम लोग फाइनली रंगटोंग के रास्ते पे आ चुके हैं और आज का दिन ना बहुत ही घमासान, आज तो बहुत ही ज्यादा हंटेड प्लेस हो रखा है। सो उस दिन का चीज को लेकर ना याद नहीं करना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने रियल घोस्ट कॉजन कैमरा जो मैंने रंगटोंग के साइड में बनाया था। एक्चुअली बता दूं गाइस, वहाँ पे मैंने ना सच में कुछ एक क्रिचर्स टाइप का देखा था, जो कि आप सभी को भी पता है कि वीडियो में मैंने थोड़ा सा एडिट किया हूँ या मेरे आँख से देखा हूँ ना वो चीज, तो मैं ही रियलाइज कर सकता हूँ और मैं ही फील कर सकता हूँ कि वहाँ पे मेरा हाल क्या हुआ था। एक दिन रात को भी मैं सो नहीं पाया, अच्छे से हम थोड़ा सा एडिटिंग मिला दिए ताकि वीडियो और भी अच्छा बने। तो आज तो मेरे पीछे प्रेम भाई भी बैठा हुआ है, तो कोई डर नहीं है। और यहाँ पे एक दो जन अंकल के साथ बात हुआ कि बोल रहे थे कि बेटा कहाँ जा रहा, हम बोला कि अंकल जी हम लोग तो रंगटंग जा रहे, और वो बोला कि बेटा थोड़ा ध्यान से जाना क्योंकि अभी यहाँ पे ना हाथी दिखाई देने को मिला था, तो यहाँ के हाथी भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते गाइस, चार चार ठो दांत होता है, चार चार, वो भी इतना लंबा लंबा, इतना मोटा मोटा। प्रेम भाई बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे ना नींद आ रखा है, मत सो बेटा। एक्चुअली क्या है ना, प्रेम भाई पीछे बैठते हैं ना तो कोई भी उसका एक्टिविटीज वगैरह नहीं होता, मेरा तो हाथ पैर ब्रेक लगाना ये लगाना होता है, क्योंकि मेरा भी वही हाल हुआ था जब मैं अपना बाइक जो है ना कोलकाता से डिलीवरी लेके आया था, तो मैं पूरा सो गया था, 12-10 के मरते मरते बचा भी था एक टाइम। तो प्रेम भाई अपने आप को जज्बा दिलाते रख, रोंगटंग आने वाले हम लोग। जो आप कैमरे से दिखते हो ना गाइस, मैं बता दूं रोंगटंग उससे भी बहुत 10 गुना खूबसूरत है। ये कौन सा बाइक है, हिमालयन है ना। अच्छा आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे एक्सपोल की जगह ना, कोई बोलता है हिमालयन ले लो, कोई बोलता है मेरे को क्रॉस फायर जो नेपाल में आता है ना भाई, 8 लाख का भाई डॉट बाइक। हाँ पर और खुशखबरी की बात तो ये है कि गाइस मैं ना बहुत जल्द 8 लाख का बाइक यानी कि क्रॉस फायर लेने वाला हूँ, अगर ये मैं सच होता तो कितना अच्छा होता ना। बहुत ही ज्यादा थके हुए है और बहुत ही ज्यादा टायर्ड भी हो गए है। अंकल जी नमस्ते, आगे आंटी जी, फिर हम अब रोंगटंग को हम कैसे मिस कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे इतना गर्मा गर्म नेपाली का फेवरेट मोमो मिलता है और साथ में क्या बोलते हैं वो आलू मिमी ना भाई, यहाँ पे गर्मा गर्म हम लोग का मैगी और आलू मिमी, और यहाँ पे मैंने रेडबुल मंगाया हूँ क्योंकि मेरा ना बहुत ही एनर्जी लो हो गया है, चाय पी रहा है और ये ना आलू मिमी नहीं खाएगा, इसका थोड़ा सा हालत खराब है, इसको नींद भी लग रहा है, अभी इन सबको खा के ना हम लोग सीधा घर जाते हैं। फाइनली मैं रूम में आ चुका हूँ और बाइक को मैंने अंदर रख दिया हूँ, तो मैं अपना राइडिंग जूता और अपना जैकेट जो है खुला के ना एक जगह रख के मैं फ्रेश होके ना मैं भी थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा वीडियो, उसके बाद खाना खाऊंगा, उसके बाद चित पटान। सो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साइनिंग ऑफ रॉक लामा जैन जय भारत कांची तिम्रो रैक 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 ढैक 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 ढैक।